अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लखनवी किचन। आज हम ये मंगौचिया बनाने जा रहे हैं। उड़द की दाल और ये चने की दाल दोनों को मिक्स करके, ये आधा कप उड़द की दाल है, इसको हमने भिगो दिया था, और इसमें ये 2 चम्मच चने की दाल ली है, इसको भी भिगो लिया है। ये दोनों को एक साथ हम मिक्स करके पीस लेंगे। इसमें डालने के लिए हमने ये थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है, अदरक है, एक हरी मिर्च है बारीक काट ली है, थोड़ा सा जीरा है, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी के लिए ये एक प्याज लिया है हमने, एक टमाटर, थोड़ा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, लहसुन है, कलियाँ हैं ये 8-10-12 होंगी, एक हरा मिर्च है, इसको साथ में हम ग्राइंड कर लेंगे, इससे ग्रेवी बनेगी। और ये कुछ सूखे मसाले हैं, ये 2 चुटकी गरम मसाला है, ये 2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर है, ये आधा चाय का चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर है, क्योंकि मिर्च कई चीज़ों में पड़ रही है इसलिए मिर्च थोड़ी ही डालेंगे, और ये 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से टेस्ट करके कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब हम इसको दाल को पीस लेंगे और फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनाते हैं। ये देखिए हमने दाल पीस ली है, अब इसको हम फेंट लेंगे थोड़ा सा हाथ पानी में लगा के। अब इस तरीके से थोड़ी देर तक इसको 5-10 मिनट तक ही फेंट लेंगे तो ये दाल अच्छे से फूल जाएगी। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको पानी में डाल के देखें, अगर ये तैरने लगता है तो इसका मतलब आपकी दाल फिट गई है। ये देखिए पानी के ऊपर ये तैर रहा है, इसका मतलब हमारी दाल अच्छे से फिट गई है। अब हमने इसमें सारे जो ये कटे मसाले थे इसको इसमें डाल दिया है, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे, और तेल गरम होने के लिए रख दिया है जिसमें हमें इसको तलना है। देखिए हमारा तेल गरम हो रहा है, अब इसमें हम छोटी छोटी ये फुलकियाँ इसकी डालेंगे। हाथ में हल्का सा पानी लगा लें, ये बहुत ही आराम से गिरेंगी, इसमें कोई बनाने में परेशानी नहीं होगी। और अगर आप चम्मच से बनाना चाहते हैं तो चम्मच से बनाइए, हमारी आदत तो हाथ से ही पड़ी हुई है इसलिए हम हाथ से ही बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, और दही में डाल के दही फुलकियों की तरह भी इसको बना सकते हैं, दही बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं वो भी। एक तरफ से ही फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको पलट देंगे। ये अब थोड़ी थोड़ी फ्राई होने लगी है तो इसको हम पलट देंगे। ये देखिए फूल के बड़ी सी हो रही हैं ये, और अभी जब इसको हम ग्रेवी में पकाएंगे तो ये और भी फूलेंगी, तो इसलिए बहुत बड़ी ना बनाएं, छोटा छोटा बनाएं इनको। ये गर्मियों में आजकल सब्जियां जब कम आती हैं तभी ये ज़्यादातर बनाई जाती हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में।
थोड़ी सी ये गोल्डन फ्राई हो जाए दोनों तरफ से, तो हम इनको निकाल लेंगे और ये जो थोड़ी बची हुई है इनको भी डाल देंगे। बस अब हम इनको निकाल लेंगे। और जो बची हैं उनको भी हम डाल देंगे इसी में। ये देखिए जो बचा हुआ बैच था उसको भी हमने डाल दिया है। और एक आपको हम ये तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से निकलेगा बिल्कुल जालदार, ये बहुत ही अच्छी। बस ये भी हो जाए तो हम इसको भी निकाल लेंगे, फिर ग्रेवी इसके बनाएंगे हम। ये हमने थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल लिया है, आप किसी भी तेल में पका सकते हैं। ये गर्म हो जाए तो इसमें थोड़े से मेथी दाना डालेंगे हम, इससे बघार लगाएंगे। आप चाहें तो जीरे से या हींग से, जिस जो चीज़ आपको पसंद है उससे लगा सकते हैं। ये जो टमाटर प्याज वगैरह हमने लिया था, अदरक लहसुन, सबको हमने इस पेस्ट बना लिया है, इसको इसमें डालेंगे हम। थोड़ा सा मेथी हमारी चटक जाए। तो देखिए इसका मसाला भुन रहा है, इसमें हम ये सूखे मसाले जो हमने लिए थे ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे इसमें। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे जिससे ये मसाले अच्छे से पक जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे हम, अच्छे से ये भुन जाएगा मसाला। और फिर उसके बाद हम इसमें ये पकौड़ियाँ डालेंगे। ये देखिए वह मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, इसमें जो है जो तेल था वो छूट गया है। अब हम इसमें ये अपनी फुलकियाँ डाल देंगे सारी। इतना पानी हमने इसमें डाल दिया है कि ये जो फुलकियाँ हैं आसानी से इसमें डूबें और मुलायम हो जाए। थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे हम, ये आधी कटोरी और डाल देते हैं। एक पहले डाली थी और ये आधी हो गई, डेढ़ कटोरी पानी हो गया। अब ये थोड़ी देर पक जाएगी तब आपको हम दिखाते हैं। इसको थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। देखिए 10 मिनट से ये हमारी मंगोलचिया इसमें पक रही थी। पहले तो हमने फुल फ्लेम करी थी, फिर उसके बाद स्लो फ्लेम कर दी थी। अब ये अच्छे से पक गई है। अब इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी मंगोलचिया बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अगर इसकी ग्रेवी सूख जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल लीजिए, ये मंगोचिया जो है वह एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी।
अगर ऐसा हो तो आप पानी डाल करके इसको फिर से ग्रेवी को वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।